लद्दाख में पेंगोंग लेक पर चाइना की तरफ से पुल बनाए जाने के बाद चुशुल रीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि ड्रैगन ने अब सीमा के पास मोबाइल टावर भी लगा दिए हैं। चुशुल पार्षद कोंचोंग स्टेंजिन ने एक ट्वीट के जरिए इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय क्षेत्र के बहुत करीब चीन के हॉट स्प्रिंग के पास 3 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। स्टेंजिन ने कहा, पेंगोंग झील पर पुल का काम पूरा करने के बाद चीन ने भारतीय क्षेत्र के बेहद करीब चीन के हॉट स्प्रिंग के पास 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? मानव बस्ती वाले गांव में 4G सर्विस भी नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 11 गांवों में 4G सर्विस नहीं है। एनआई से बात करते हुए पार्षद ने कहा कि टावरों का इस्तेमाल हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करने और जानकारी इधर से उधर पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि चीन सीमा के अपने हिस्से में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। सरकार से चीन के इन कदमों का कड़ा पलटवार करने का आग्रह करते हुए स्टेंजिन ने आरोप लगाया कि ज्यादातर सीमावर्ती गांवों में भारत 4G इंटरनेट सर्विस नहीं देता है। उन्होंने कहा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 12 में से 11 गांवों में 4G इंटरनेट की सुविधा नहीं है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हम संचार सुविधा में पिछड़ रहे हैं। हमारे पास केवल 1 मोबाइल टावर है, जबकि उनकी तरफ 9 टावर हैं। इस साल फरवरी में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा को बताया था कि चीन की तरफ से 1962 से चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में पेंगोंग झील पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने इस अवैध काम को कभी स्वीकार नहीं किया है। 2020 की गर्मियों में पेंगोंग क्षेत्र में सेनाओं की झड़प के बाद भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा गतिरोध शुरू हो गया था। उसी साल जून में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद स्थिति और गंभीर हो गई थी। दोनों देशों ने क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए 15 दौर की बातचीत की। नतीजतन भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट्स इलाके में अपने सैनिकों को पीछे हटा दिया था। दोनों पक्षों के सैनिक पिछले साल फरवरी में पेंगोंग झील रीजन से भी पीछे हट गए थे।